चंपा जिले में चोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिला मुख्यालय का है, जहां पर रहने वाले शर्मा परिवार के मकान में देर रात चोरों ने जेवर और नकद सहित करीब 10 लाख का माल पार कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पुलिस लाइन से एक आरक्षक की बाइक भी चोरी हुई थी। जिले में चोरों का आतंक सुने मकान में चोरों ने धावा बोला। रात को चले गए थे मासी लोगों के यहाँ सोने के लिए, क्योंकि घर में यहाँ पे कोई नहीं था। तो क्या सुबह आके देखे ना तो ताला पूरा टूटा हुआ था। फिर अंदर जाके देखे हम लोग तो अंदर में पूरा सोना चांदी सारा लेके मतलब चले गए वो लोग। एक्चुअली नगर में शर्मा परिवार है, ये लोग जो है किसी के मरनी कार्यक्रम में खसिया गए थे ताला बंद नगर में। आज रात में जो है चोरी की सूचना सुबह प्राप्त हुई थी, जिसमें बिलासपुर से डाक स्टार्ट के टीम को बुलवा करके और पत्थरशाही का प्रयास किया जा रहा है। अभी कितने का माल गया है उसके बारे में भी इस पर से जानकारी नहीं मिली है। सामान को भी देख रहे थे अंदर में क्या क्या हुआ, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जा रही है वर्तमान में।